दोस्तों ये है रिचार्जेबल वायरलेस गेमिंग माउस और इसमें काफी सारे कमाल के फीचर्स है। तो आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग के साथ आपको इसके बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस माउस का नाम है XMate Zoro Pro और यहाँ पे बॉक्स कंटेंट आप देख सकते हो, 600 mAh की बैटरी, 3200 dpi और भी बहुत कुछ है। और Amazon पे ये कुछ 800 रुपये के आसपास अवेलेबल है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। और यहाँ पे देखिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ फटाफट से मैं और फिर देखते बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो सबसे पहले बॉक्स में से निकली है ये एक माइक्रो यूएसबी केबल, जिससे कि आप इसको चार्ज कर सकते हो पावर बैंक में लगा के या फिर लैपटॉप में लगा के। और अब मैं यहाँ पे माउस निकाल के रख देता हूँ साइड में और चेक कर लेता हूँ कि और अंदर क्या क्या हमें मिल जाता है। तो ये देखिए XMate का वारंटी कार्ड मिल जाता है येलो और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। और साथ में हमें मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल जिसमें कि लिखा था कि माउस को सबसे पहले चार्ज किया जाए फुल यूज़ करने से पहले। तो इसको जब आप चार्ज करोगे पावर बैंक या लैपटॉप से तो फिर आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलेगी और जब ये चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हो जाता है काफ़ी जल्दी, तो इसमें आपकी लाइट चली जाएगी। और तो अब देखते हैं कि माउस के ऊपर हमें कौन से फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो पीछे की साइड में यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे आगे आप देख सकते हो DPI सेटिंग्स के लिए लिखा हुआ है। तो चार आप सेटिंग्स कर सकते हो इसके साथ DPI की। तो अगर आपको नहीं पता DPI क्या होता है तो आगे आपको पता चल जाएगा वीडियो में। और यहाँ पे देखिए बाजू में और दो कीज आपको मिल जाती है जिनका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा टेस्टिंग करके सब कुछ। और यहाँ पे टोटल देखिए 6 बटन आपको मिल जाते हैं। और पीछे की साइड में आपको 3 फंक्शन मिलते हैं ऑफ, ऑन और लाइट के साथ ऑन। तो मैंने अभी लाइट के साथ इसको ऑन किया और आगे की साइड देखिए चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। तो लाइट के साथ मैंने इसको ऑन कर दिया है और 7 कलर में देखिए लाइट ऐसे चेंज होती जाएगी। और नीचे ये देखिए ये निकल नहीं रहा, इसको निकाल देता हूँ एक बार। तो ये देखिए ये है इसका रिसीवर जो कि आपको लैपटॉप में लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो आप देख सकते हो क्रोम फिनिश साइड में दिया गया है, पूरा प्लास्टिक मटेरियल है, मगर ऊपर की साइड में जो मेट ब्लैक फिनिश दिया गया है दोस्तों काफ़ी सही इससे जो है ग्रिप आ जाती है, काफ़ी बढ़िया लगता है ये क्लिक वगैरह करने में भी। और इसकी जो डिज़ाइन है दोस्तों काफ़ी सिमेट्रिक है और गेमर्स के लिए दोस्तों एकदम ही वैसे ही बनाई गई है, एकदम ही तीखी तीखी डिज़ाइन है देखिए। और जो है एकदम ही लाइटिंग वगैरह है काफ़ी कमाल लगती है, RGB लाइटिंग जो कि अगर अंधेरे में आप यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ अंधेरे में कैसा एक्सपीरियंस इससे आएगा। और यहाँ पे आप देखिए अंधेरे में कैसे लाइट निकल रही है, आगे से जो निकलती है लाइट वो भी काफ़ी बढ़िया लगती है। और जो लाइट चेंज होती रहती है एकदम स्मूथली, 7 कलर आपको लाइट के मिल जाएंगे। और आपको देखिए अभी और भी थोड़ी देर दिखा देता हूँ मैं कैसे लगता है अंधेरे में ये। तो अब इसको फटाफट से मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही आप लोग इसका जो रिसीवर होता है दोस्तों उसको आप कनेक्ट करोगे आपके लैपटॉप या फिर PC के अंदर तो अपने आप ऑटोमेटिकली इसका जो ड्राइवर होता है इंस्टॉल हो जाएगा और ये काम करने लगेगा। तो आपको इसको ऑन कर देना है माउस को और लगा देना है इसका रिसीवर। फिर दोस्तों जो DPI सेटिंग है आप बटन को क्लिक करोगे तो आपको 4 DPI सेटिंग मिलेगी, 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI और 3200 DPI। दोस्तों 3200 DPI जो होती है गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप माउस का जो कर्सर है उसको आप देख सकते हो, कम DPI में थोड़ी कम सेंसिटिविटी आती है और हाईएस्ट DPI में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो वो आपको समझ आ गया होगा DPI का मतलब अभी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बटन्स है बाजू में दिए गए, टोटल 6 बटन्स का क्या यूज़ है। तो जो बाजू वाले बटन्स है दोस्तों उससे आप लोग जो है पेजेस को आगे पीछे कर सकते हो नॉर्मल यूज़ में, और गेम्स में आप लोग कंट्रोल सेट कर सकते हो इसके अंदर, जैसे पीक करना है या स्कोप ऑन करना है या कुछ और जो भी है आपको सेटिंग्स करनी है तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों एक सॉफ्टवेयर साथ है अवेलेबल है काफी सारे माउस के लिए, तो उनको आपको यूज करना होगा इसके अंदर सेटिंग को चेंज करने के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ये जो सब्सक्राइब का बटन आता है लाल कलर का नीचे, उसको बस दबा दो कैसे भी करके। और जो बेल आइकन होता है वो तो आपकी इच्छा, अगर आपको दबाना है तो दबाओ वरना रहने दो, तो ये सब्सक्राइब कर दो बस। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका गेमिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों गेमिंग के अंदर जब DPI आप हाइएस्ट पर रख के और जो भी कंट्रोल्स वगैरह है 6 की आपको मिल जाती है वो यूज़ करोगे पीक वगैरह के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो काफ़ी अच्छा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर आप लोगों के पास एक गेमिंग पूरा सेटअप है पूरा का पूरा, तो फिर तो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा ये
माउस, क्योंकि ये जो है रिचार्जेबल है। इसकी बैटरी जो होती है दोस्तों 7 दिन तक चल जाती है अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो दिन भर में, और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो फिर तो 7 दिन से भी ज़्यादा इसकी बैटरी चल जाएगी। और 600 mAh की जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी रिचार्ज भी हो जाती है। आप लोग अपने PC से या फिर अपने पावर बैंक से भी इसको रिचार्ज कर सकते हो। और जो लाइटिंग वगैरह है इसीलिए इसमें जो है ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। आप चाहो तो लाइटिंग बंद भी कर सकते हो इसकी, जो आपको मैंने ऑप्शन बताया था उससे, और जो है गेमिंग वगैरह में आपको काफ़ी बढ़िया इससे एक्सपीरियंस हो जाएगा। और वायरलेस की जो रेंज है 10 मीटर तक रहती है, और मुझे इसको एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है यूज़ करते हुए, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और 1000 रुपये से कम के अंदर अगर आप लोग कोई वायरलेस वाला गेमिंग माउस ढूंढ रहे हो RGB लाइटिंग के साथ, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। क्योंकि इसके अंदर मुझे सबसे बढ़िया जो फीचर लगा वो इसकी रिचार्जेबल बैटरी है। जो दूसरे माउस होते हैं वायरलेस वाले उनमें बैटरी डालना पड़ता है बार बार और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो इसमें जो रिचार्जेबल बैटरी है काफ़ी अच्छा काम कर लेती है, काफ़ी लंबे समय तक चल भी जाती है। तो आप लोगों को कौन सा फीचर इसका बढ़िया लगा दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर से पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा अगर किसी को भी ऐसा कोई माउस खरीदना है उसे। और दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।